अबे हाँ, अबे तो मुगल सराय में ही तो रहते हैं ना, शादी आदि तो करनी थी यार, उम्र हो गई अब, परिवार का मामला है, करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यार अभी क्या है, डिसाइड नहीं किया, लेकिन जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, कहीं यूरोप वूरोप में घूमेंगे, हैं? हाँ ऐसा ही है। अबे तुम ठहरे छलिया छिछोरे, तुम नहीं समझोगे भाई, पूछना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है, समझे? हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे। अच्छा तुम अपना टाइम निकाल लेना तुम। हाँ उसको फोन दो, फोन दो उसको। अरे वो ऐसे कैसे नहीं आएंगे भाई, आना पड़ेगा। तुम एक ला, अबे बाद में बात करते हैं। कब पगला गई हो क्या, डरा क्यों रही हो हमको? नहीं नहीं अमित जी, हम आपको डराना नहीं चाहते थे। तो ये क्या चुड़ैल शादी वादी का क्या दुल्हन बन के घूम रही हो क्या, दूल्हा मिल गया क्या कोई? अमित जी दूल्हा तो हमें बचपन में ही मिल गया था, पर घोड़ी किसी और की चढ़ रहा है। अमित जी हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या, बताइए ना, एक बार अपनी आंखें चार करके तो देखिए, क्या क्या मेरी आंखें सुंदर नहीं है, बताइए ना अमित जी, आंखें क्या कर रही हैं हमें? आज सुंदर हो यार, तुम जाओ यहाँ से, तमाशा मत करो। तो फिर काहे शादी नहीं कर लेते आप हमसे, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? हम भी ना कितने पागल हैं, हम तो जानते हैं कि आप हमसे ही प्यार करते हैं। बकवास मत, चुप, प्यार बार की कोई, निकलो यहाँ से, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं, समझे, निकलो। अमित जी एक बार आंटी जी से साफ साफ कह दीजिए ना कि आप हमसे ही प्यार करते हैं, आपके लिए दुल्हन बनकर हम यहाँ आए। अमित जी ये सिंदूर भर दीजिए हमारी मांग में। देखो बिना बात चिपको मत, हमने तुमसे कभी आई लव यू नहीं कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। अमित जी आप जो बोल रहे हैं और हम जो आपकी आंखों में देख रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है यार, और आंखें खोलो अपनी। अच्छा होली में जो चुपके से आपने हमारा हाथ पकड़ा था और हमारे गले में रंग लगाया था, वो सब क्या था? लड़की है छूना तो हम ही समझते हैं। जाना ए बिट्टो, जा देख कर आ, कहाँ है रानी? ठीक है दादी। ना 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 नहीं नहीं रुक, तो हम बताए हम जाए, एक मिनट आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तू जा रहा है, जा रही तू गाना जल्दी, ये पहले बताओ तो तू गाना। अमित जी भर दीजिए हमारी मांग, इतना मत सोचिए। देखो बकवास मत करो तुम, यहाँ से निकलो, तमाशा खड़ा हो जाएगा, निकलो। तो हो जाने दीजिए तमाशा, मजाक बना रखा है तुमने ये सब, शादी हो रही है हमारी रिया से। तो हुई तो नहीं है ना अभी, हम जानते हैं कि आप ये शादी जबरदस्ती में आगे कर रहे हो, एक बार हमारे बारे में तो सोचिए। हम जी हम आपका और आपके घर का सबका ख्याल रखेंगे, हम बेटे को भी संभाल लेंगे। हम जी मार दीजिए हमारी माँ, इतना मत सोचिए, मार दीजिए हमारी माँ। हमें जी हमें जी हमें जी हमें जी मार दीजिए। क्या कर रही हो तुम? सिंदूर की डिबिया लेके इमोशनल ब्लैकमेल मत करो हमको, होश में आओ तुम। आज ही तो हम होश में आए, मार दीजिए हमारी माँ भी सिंदूर, भर दीजिए ना हमारी मां पे जिंदू।
इतना मत सोचिए अमित जी। पागल हो गई है तू? ये दिमाग में कान खजूरा घुस गया है? समझ नहीं आता तुझे? ये दुल्हन के कपड़े पहन के यहाँ नाटक करने से क्या तू जैसी जंगली घर नौकरानी की शादी हमारे अमित से हो जाएगी? निकलती है यहाँ से क्या? धक्के मार के निकाले। क्या हुआ? क्या हुआ सरला? नालायक, चल। ये मैडम तो दुल्हन लग के आ गई। निमी, हर बार बोलना ठीक नहीं होता, चुप कर। चुप कर निमी। पर भैया, मैं बता रही हूँ, फिर से नया ड्रामा शुरू होने वाला है। कारी, ऐसा जोड़ा काहे पहना है? रो काहे रही है लड़की? हुआ का? अरे सरला। कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस लड़की का दिल आ गया है हमारे अमित पे। ये दुल्हन का कॉस्ट्यूम पहन के अमित के कमरे में घुस गई थी, हाथ में सिंदूर की टिबिया लेके बोल रही थी मांग भरो हमारी। अरे हमारे अमित ने कभी घर में एक बाल्टी नहीं भरी, वो तुम्हारी मांग कहां भरेगा बे? हमारे बच्चे का घर बसने से पहले ही तबाह करने पे आ गई है स्टूपिड। सरला, साथ शादी का घर है, साथ सरा। हाँ सरला, बच्चे को ऊपर लेके जाओ। चल चलो चलो चलो, जल्दी करो। अरे इसे अंदर कहाँ भेज रहे हैं भैया? सरला, आप लोग चलिए चलिए चलिए, आप लोग सब चल। जी पापा, सोना अभी चल। सरला, समझो इस बात को, घर की बेटी की तरह है वो। हाँ, अमित के साथ बचपन में खेली है, बहुत पुरानी जान पहचान है। अगर उसके मन में ऐसा कुछ है भी तो प्यार से समझाओ उसको, शादी का माहौल है। कहीं तैश में आके कुछ कर बैठी तो फिर कौन संभालेगा उसको इस माहौल में? है अम्मा, हमारे ही सर पे आकर पड़ेगी ना। और तुम अमित, तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं मामा जी। चलो ना ही कुछ है? चार दिन बचे हैं शादी में और इस लड़की के नाटक देखो। हमने भी लड़कियां पाली है लेकिन ऐसे लक्षण किसी के नहीं थे। तू वहां क्या घुघू बन के बैठा हुआ था? एक झापड़ धरता उसके मुंह पे, सारा नशा उतर जाता। अरे हमें क्या चिल्ला रही हो आप? आप भाई को तो मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी ना। रानी बर्तन घस दे, रानी झाड़ू पोछा कर दे, ये कर दे वो कर दे, आप भुगतो। बोलो
उस लड़की ने तो जितना स्वांग रचाना था रचा लिया, अब तुम दोनों लीला शुरू मत करो। रघुवा ने सुन लिया ना तो अब हम भी कछु नहीं कर पाएंगे। अम्मा तुम ही समझाओ ना इसे। कहा समझाए इसको, ये तो लड़का है, जो करना था कर लिया। लड़की को देखो जरा भी शर्म लिहाज नहीं। बस करो, बहुत हो गया तमाशा सबके आगे। ये बता सुबह सुबह अपनी स्कूटी पे क्या कर रही है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि कल से सब कुछ नया होगा ना मेरी लाइफ। स्कूटी वाले दिन ना बहुत याद आए। ना स्कूटी छूटेगी और ना स्कूटी वाली दुनिया। जब मन करे आ जाना स्कूटी लेने। आप नहीं समझ रहे पापा, बात स्कूटी की नहीं, हर उस छोटी चीज की जो मैंने इस घर के लिए की। अब जानते हो दादी बुआ क्या कह रही थी? दादी बुआ कह रही थी कि हिसाब रख के तू क्या करेगी, तुझे तो अपने घर जाना है। सही तो कह रही थी वो, मैं तो चली जाऊंगी। आप घर कैसे संभालोगे? तुझे क्या लगता है मैं घर नहीं संभाल सकता क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर हर डिसीजन लेने से पहले आप मुझसे 100 बार पूछते तो कैसे संभालोगे घर? कभी कभी तो मुझे लगता है ये आप पूछते नहीं, मम्मी से पूछ रहे। मम्मी को मिस करते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद आप मुझे भी मिस करोगे ना? रुला मत। तेरे मैं बचा के रखे थे मैंने। ज़्यादा सेंटीमेंट हो वरना मुझे भी रोना आ जाएगा।
वैसे भी तू यही मुगल सराय में ही तो है, कुछ नहीं बदलने वाला, एंड आई एम श्योर तू भी नहीं बदलने वाली। अब चले वरना दादी बुआ सुबह सुबह बंटी की घंटी बजा देंगी। दामाद बाबू को भी हमदर्द बनने का बड़ा शौक है, मना किया था फिर भी ले आए प्लास्टिक का, चार पैसे तो मिलते रेलवे कैंटीन में से, वो भी खर्चा कर दिए। सोनल एक बहुत सारी अदरक डाल के चाय बना दे, अच्छी सी, हमारा सिर दर्द हो रहा है। जी जी सारा दिन आप कितना काम करती हैं, जरा देखिए अपने चेहरे को, इतना सा हो गया है, मुरझा गया है। और वो आपकी ननद, वो तो बस बादाम पिस्ते खाती है। अरे अब शादी उनके बेटे की है, उन्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं है। जी जी एक बात बोले, जब ये ना सब शादी ब्याह का मामला निपट जाए ना, तो 10-12 दिन के लिए आप हमारे साथ चली। अरे इतने बरस हो गए आपकी शादी को, बस 4-5 बार ही मायके आई है, इस बार हमारे साथ चलेंगे। हाँ कुशलिया चलना साथ में। अरे कैसे सर चले साथ, इतना सारा काम रहता है घर में, ये तो बबीता प्रीति है इसलिए काम चल जाता है किसी तरह। अरे तो आप कहते क्यों नहीं अपनी ननंद को, सारा समय तो यही टिकी रहती है, कुछ तो करती नहीं है। आपसे ही सीखा है भाभी ननंद को लाड कैसे लड़ाते हैं, आप कम लाड करती है का हमें। अरे जीजी आप हैं भी तो ऐसी। ये अच्छा नहीं कर रही हो भाभी। रिसल्ला अमित को बुला ले, चलो टिकट भी कर लेते हैं। हाँ, बस अभी बुलाते हैं।